बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सबका स्वागत, और ये हमारी परंपरा है और यही हमारी जो है शक्ति भी है कि कोई भी शुभ कार्य से पहले हम भगवान का मत्था जरूर टेकते हैं। और आज महाकाल बाबा के दर्शन इस शुभ अवसर पर करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, और महाकाल बाबा हम सबकी रक्षा करते हैं, और समस्त दार्जिलिंग, तराई, डुअर्स और अन्य देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, और महाकाल बाबा बड़ी नम्रता के साथ उन सबकी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। और आज नामांकन के इस शुभ अवसर पर उससे पहले मैं भी आकर के महाकाल बाबा के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। और हम सब जानते हैं लोकतंत्र में एक ये त्यौहार के रूप में इसको मनाया जाता है, चुनाव को, और पश्चिम बंगाल में अब की बार का चुनाव कुछ अलग है, और पश्चिम बंगाल की तुलना में दार्जिलिंग में चुनाव कुछ अलग प्रकार की ही होती है। और मैं आपके माध्यम से समस्त जनता से अपील करता हूँ कि इस त्यौहार में हम सब शामिल हो, और दार्जिलिंग तराई डुवर्स की जनता का मैं ऋणी हूँ कि उन्होंने मुझे इस पवित्र धरती का सांसद होने का अवसर दिया, और ये ऋण मैं कभी भूल नहीं सकता। और एक बार नहीं, दूसरी बात भी मेरे को कैंडिडेट बनने का ये सुअवसर मिला, और मुझे महाकाल बाबा से और यहाँ की जनता से जो आशीर्वाद और जो प्यार मिलता है, मुझे पूरा भरोसा है कि जीत जो है मोदी जी की होगी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी एलाइन साथियों की होगी। और मुझे एक बार और 5 साल निस्वार्थ भाव से इस पवित्र धरती में रहने वाले जनता का सेवा करने का अवसर मिलेगा। सर, आप कितना आपका जो जीत अभी निश्चित है करके आपको कैसे बता सकते हैं? ये तो आप भी जानते हैं कि दार्जिलिंग कौन जीत रहा है, क्योंकि ये जनता ने मन बना चुकी है, और इस बार मैं नहीं, दार्जिलिंग की जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता ने मन बना रखा है कि 26 अप्रैल को कमल में वोट डालना है। मैं आप सबके माध्यम से ये अपील करता हूँ, आज नॉमिनेशन में काफ़ी भीड़ भाड़ हो सकता है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे जितने भी बाहर के टूरिस्ट यात्री यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, हमारे जितने भी चालक दल के हमारे साथी हैं, हमारे व्यापारी हैं, अन्य विद्यार्थी और आम जनता, कई लोगों को परेशानी हो सकती है, मैं आज के लिए ज़रूर आपके माध्यम से उनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता और हमारे अलायंस पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी एक इच्छा रहती है कि नॉमिनेशन की दिल वो भी आकर के शामिल हो, और मैं जो भी अव्यवस्था होगी उसके लिए ज़रूर क्षमा चाहता हूँ, और मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि कम से कम तकलीफ लोगों को हो, आप इसमें हम सब की जो है सहायता करें, ऐसा निवेदन मैं करता हूं। सर, आप दो तीन दिन पहले आपने बोला था कि मतलब अभी तो मेरा ट्रेलर चल रहा है, 3 तारीख को आज पिक्चर बाकी है, बोल रहा था आज कैसे पिक्चर पिक्चर 9:30 बजे के बाद शुरू होगी। कैसे पिक्चर पिक्चर चालू होगा? और 9:30 बजे के बाद पिक्चर आप भी देखेंगे। अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज बहुत ही शुभ अवसर है, और आज का दिन ये तय करेगा, और इतने सालों से, आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा समय तक हमारे ऊपर दो दमन हुआ, आक्रमण हुआ, अतिक्रमण हुआ, उससे मुक्ति 4 जून को मिलने वाली है, और 4 जून की जो मुक्ति है उसकी शुरुआत आज हो रही है, इसलिए ये सुअवसर है। तमाम आपके माध्यम से जनता से निवेदन करता हूँ, आए और इस उत्सव में हम सब लोग सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।